गुड आफ्टरनून एवरीवन, टुडे वी आर विद डॉक्टर ए.के. गुप्ता सर. ही इज प्रिंसिपल ऑफ अखिल भारतीय कॉलेज ऑफ फार्मेसी भोपाल. सर, वेलकम टू थॉट्स ऑन एजुकेशन इंटरव्यू प्रोग्राम ऑफ collegeunia.com. थैंक यू सर. आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काफ़ी सालों से हैं, सो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको एजुकेशन सेक्टर से जोड़ी रखी हैं? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात ये कहना चाहूँगा कि अभी हम जो प्रेजेंट फील्ड में हैं, फार्मेसी की फील्ड है, तो अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि फार्मेसी ही एकमात्र ऐसी फील्ड है जिसमें दिन पे दिन सारी रिसर्च नए मॉलिक्यूल्स, नए ड्रग्स की डिज़ाइन की जा रही है. और ऐसा माना जाता था कि पहले आप अपना जो एक फार्मा हब जो होता था वो सिर्फ प्रोडक्शन के लिए जाना जाता था, लेकिन आज जब से ये COVID-19 का ये अपने यहाँ फेज हुआ है, इसके बाद से निरंतर हमारे यहाँ पे रिसर्च की तरफ सब लोगों का ध्यान गया है. सारी इंडस्ट्रीज, फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं और जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी लगातार इंडस्ट्रीज के संपर्क में बने हुए हैं कि हमें स्टूडेंट्स को कैसे इंडस्ट्री से अटैच करना है, उनका कैसे टाई अप हो और वो एक नए डायरेक्शन की तरफ आगे ग्रो करें. सर, आपके इंस्टीट्यूट का करिकुलम कैसे इंश्योर करता है कि ये इंडस्ट्री का बेस्ट प्रैक्टिस है? देखिए, कहना चाहिए कि इंडस्ट्री का बेस्ट प्रैक्टिस है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कोशिश ये करते हैं कि प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ज़्यादा दें बजाय थ्योरेटिकल के, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज में जो परफॉर्मेंस है वो लाइव परफॉर्मेंस का डिस्क्रिप्शन नहीं हो पाता है उस तरीके से. और अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं. अब स्मार्ट क्लासेस हैं, सबके पास में नए अपडेट्स हैं, इंटरनेट की फैसिलिटीज है. तो हम लोग क्या करते हैं कि जो इंडस्ट्री में जो लोग हैं, जो रिसर्च में जुड़े हुए हैं, जो हमारे कलीग्स हैं, मेरे कलीग्स हैं और हमारे सीनियर्स के हैं, तो उनसे हम एक वीडियो कॉल करके, वीडियो कॉन्फ्रेंस करवा के, जो वहाँ के जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है, न्यू मशीन्स हैं, क्या अपडेट्स आ रही हैं, कैसे रिसर्च परफॉर्म हो रही है, तो वो यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को लाइव क्लासेस में हम लोग दिखाते हैं. आपका इंस्टीट्यूट सर, अखिल भारतीय कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप फैसिलिटी अवेलेबल करवाते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारा इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप फैसिलिटीज अवेलेबल करवाता है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाती है. और उसमें कुछ ऐसे मेधावी स्टूडेंट्स होते हैं जो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो उनको अलग से एक राशि दी जाती है सरकार के द्वारा. सर, आपका इंस्टीट्यूट और बच्चों के प्रति क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, बींग एज अ प्रिंसिपल, मेरा हमेशा से एक ही एम रहा है कि हम स्टूडेंट्स की जो समस्या हैं उसको 1:1 करके सॉल्व करें. तो हमारा सबसे पहले ये टास्क रहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर क्लासेस अटेंड करें. रेगुलर क्लासेस अटेंड करने से हमारा इंटरेक्शन दिन पे दिन उनसे बना रहता है. तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि जो क्लासेस हैं उनको जो टीचर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनके रेशियो में डिवाइड किया हुआ है, कि जैसे एक टीचर है तो वो कम से कम एटलीस्ट 20-30 स्टूडेंट्स को एक बार में इंटरेक्ट करेगी, ताकि उसको स्टूडेंट्स को क्या है, किसी चीज़ में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो डाउट्स हैं तो वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत फ्रैंक रहें सारी चीज़ों से. और हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस भी करवाते हैं स्टूडेंट्स को. और अभी हम लोग ने रिसेंटली एक टाई अप किया है यहाँ पे मंडीदीप में, एक फार्मा कंपनी है, तो हम अपने स्टूडेंट्स को वहाँ पे हर महीने में एक दिन लेके जाते हैं. जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस दिखाते हैं कि कैसे इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन है, रिसर्च है, उन चीज़ों पे काम किया जाता है, तो स्टूडेंट्स को भी बहुत इंटरेस्ट आता है उन चीज़ों से. सर, आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में लोगों को कोई बात बताना चाहेंगे जो आपके अनुसार लगता है कि उन्हें मालूम नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये हमारा अखिल भारतीय ग्रुप सबसे पुराना एक ग्रुप है एजुकेशन का, जो कि 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था. इसके चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र रावत सर हैं, जो खुद ही एक बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है कहना चाहिए, और जो डेली इंस्टीट्यूट में आते हैं. जो जनरली आजकल ऐसा नहीं होता, जो बड़े चेयरमैन होते हैं वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा सर डेली यहाँ पर आते हैं और डायरेक्ट इंटरेक्ट होते हैं सारी फैकल्टी से, स्टाफ से, और आके उनसे उनका दिन भर का शेड्यूल पूछते हैं कि आपने अपना क्या काम किया. स्टूडेंट्स का तो एक अलग है, जो फैकल्टीज़ को मेंटेन करना है, वो फैकल्टीज से डायरेक्ट इंटरेक्ट होके उनका दिन भर का डेली वर्क प्रोग्रेस जो है वो डिस्कस करते हैं.
तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जब संस्था का जो प्रमुख होता है वो खुद यहाँ पे आके और आपसे सारी दिन भर की गतिविधियों पे जब डिस्कशन करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों से फिर आगे हम लोगों को एक बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है। सर, आपका आज के यूथ और जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, फार्मेसी में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए आपका कोई सजेशन या मैसेज? देखिए, मैं तो एक बात जानता हूँ कि मैं खुद फार्मेसी फील्ड से हूँ और जब से मैंने अपना फार्मेसी कंप्लीट किया है, मैंने 2004 में किया है और आज लगभग 20 साल हो गए। इन 20 सालों में मैंने हमेशा फार्मेसी के प्रोफेशन में ग्रोथ ही देखी है। मैंने कभी आज तक, आप दूसरी फील्ड्स देख लीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनमें कभी ना कभी एक 4-5 साल बाद एक रिसेशन आता है जो फार्मेसी फील्ड में आज तक देखने को नहीं आया। हमेशा ईयर बाय ईयर जो है इसमें डेवलपमेंट ही होता जा रहा है और अभी एक नई चीज़ हो रही है कि जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं, जो रिसर्च इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे ये अपनी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वो अब डायरेक्टली इंस्टीट्यूट से फार्मेसी ग्रेजुएट्स को अपॉइंट कर रहे हैं, जो कि पहले ऐसा होता था कि वो लोग एक नॉर्मल ग्रेजुएट्स को अपॉइंट कर लेते थे। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है कि अब जो फार्मेसी ग्रेजुएट्स हैं उनको डायरेक्ट इंडस्ट्री में प्लेटफॉर्म मिल रहा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर डूइंग द इंटरव्यू कॉलेज में। Thank you.